नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनीष जैन। देखिए मित्रों, मेरे आपसे बांबू के बारे में कहा था, बांबू की लागवड़ आज हम कर रहे हैं। आज है 24 अगस्त, आज है सोमवार 2020। हमने यह बांबू का प्लानिंग किया। देखिए प्लानिंग हमने किया, हमको लगाना है ईस्ट वेस्ट, इसे अपन कहते हैं पूरा पश्चिम। पूरा पश्चिम दिशा से हमारे यहाँ पर हवा ऐसी आती है, इसलिए हम लोग इस दिशा में लगा रहे हैं। हमने क्या किया हम बताते हैं आपको। हमने यहाँ पर तार बांधा, देख रहे हैं आप, ये तार है, तार को हमने टेप लगाया, ये 4-4 फीट पे हमने टेप लगाया। ये टेप लगा करके हम ये 4 फीट का मारा लेकर के हम बांबू का प्लांटेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं बहुत बड़े सुंदर तरीके से ये बांबू का प्लांटेशन हो रहा है। ज़मीन कैसे भी हो, बांबू आएगा। ये ज़मीन अगर आप बोलोगे कि ये तो मिट्टी की ज़मीन है, इस पर बांबू कैसे आएगा, ये तो चूने की ज़मीन है, ये चूने के अंदर में बांबू कैसे आएगा, ये कुदरत की ज़मीन है, बांबू ज़रूर आएगा। हर जगह में, हर माहौल में बांबू ऐसा झाड़ है कि अपने आप को सेटल कर लेता है, अपने आप को समा लेता है और वो ऊपर आ जाता है, निखर जाता है, बड़ा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और उसको कोई देखना नहीं पड़ता है। जो उसको खाना पीना देना पड़ता है वो तो हम आपसे शेयर करेंगे, वो देना पड़ेगा समय समय पर। लेकिन ये आप देख रहे हैं, आपको बता रहा हूँ कैसी है और लागवड़ कैसे हो रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आइए मेरे साथ में। बताओ इसको कैसे लगाते हैं। ये देखिए बांबू का जो झाड़ है, ये बांबू के झाड़ को बिल्कुल ऐसा दबा दिया था कि वो सेटल हो गई मिट्टी। अब इसको एकदम बिल्कुल जैसे हम कुल्फी जैसे इसको बाहर निकालते हैं आउटिंग जैसा, ये सिंपल के अंदर में सीधा सीधा ये जो चीज़ है प्लास्टिक से बाहर निकल जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल आराम से निकलेगा। हमने लगाने के पहले इसको थोड़ा गिल्ला कर लिया था कि ताकि एक दो दिन वर्षा भी नहीं आए तो इसकी जड़ों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और फिर इसी को लोकल मिट्टी के अंदर में, जैसी जो मिट्टी जहाँ पे लगना है वही मिट्टी के अंदर में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे दबा दिया जाएगा। इसको झाड़ को लगाने का ये लग गया, झाड़ हो गया, बस ये बहुत बढ़िया तरीका है। देख रहे हैं आप, ये झाड़ जो है हमारा झाड़ बांबू का, बस ये हो गया भाई। ये इस तरीके से देखिए आप, यहाँ देखिए इसका पहला वाला झाड़, ये मिट्टी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये मिट्टी में कैसा आएगा, ये मिट्टी ऊपर की है लेकिन इसके अंदर में जो मिट्टी है इसमें इसमें मिट्टी मिली हुई है। ये जो नदी की रेती है, बालू है, इसमें मिट्टी मिली हुई है, इसमें भी बांबू बहुत अच्छे तरीके से आएगा बांबू। ये देखिए ये गड्ढा है, ये मिट्टी और बालू दोनों मिली हुई है, ये गिल्ला बांबू है, इसको नीचे रख दिया और इसको अपन ने इसको बिल्कुल कवर कर लिया, अंदर से साइड से मिट्टी डाल दी। बांबू बहुत अच्छे से इसमें, ये देखिए अच्छे से दबाओ, एकदम बढ़िया दबाना, एकदम बढ़िया, बस देखिए हो गया, अब सेटल हो गया। इसको गिल्ला करा हुआ था तो इसको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, झाड़ खड़ा हो गया, झाड़ आ गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो है हमने यहाँ पे लागवड़ की है मित्रों। ये लागवड़ के अंदर में हम क्या करते हैं, खड्डा खोल दिया, उसके अंदर में ये लगा लेते हैं, है ना। चलिए नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देखें, आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और काफ़ी लोगों का आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पास ऑन करनी होगी तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।